नगर पालिका बगीची वाहन पार्किंग स्थल का रोड आज तक नहीं बन पाया। गंदगी में से गुजरते वाहन व राहगीर, पालिका प्रशासन बेखबर। लाखेरी नगर पालिका लाखेरी के करोड़ों रुपए के वाहन काफी सालों से कीचड़ में होकर निकलते हैं, लेकिन पालिका आज तक इस अधूरे रोड को पूरा नहीं करवा पाई है। नगर पालिका से बगीची वाहन स्टैंड और निजी खेतों में जाने वाले के लिए नगर पालिका पक्का रोड नहीं बना पा रही है, जबकि यहां से रोज पालिका के सभी प्रकार के वाहन एवं आसपास रहने वाले राहगीरों को कीचड़ में से होकर गुजरना पड़ता है। वह कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो बाइक सवार चिकनी मिट्टी होने के कारण फिसल कर चोटिल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि इस कच्चे रोड पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसे कई बार तो कचरा ढलने वाले नगर पालिका के वाहन भी फिसल जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस रास्ते पर पैदल चलना भी भारी हो गया है। आपको बता दें, इसके समीप सरकारी विद्यालय की जमीन होने के कारण यह रोड काफी समय से विवादित रहा है, किंतु आम रास्ते होने की वजह से पालिका में पूर्व में आधा रास्ता तो बन गया, लेकिन पालिका की उदासीनता के चलते इस रोड के अधूरे कार्य को आज तक पूर्ण नहीं किया गया, जबकि अन्य कामों में पालिका करोड़ों रुपए खर्च करती है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश नागर ने बताया कि इस कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करवा दिया जाएगा। जो बगीची वाले रोड पर आधा बना हुआ है और आधे पे कीचड़ हो रहा है, तो उसमें क्या है कि जो वाहन चालक है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये जो जिस रोड की बताया जा रहा है, इसके मामले में पूर्व में भी हमारे जो पार्षद महोदय थे राजेश जी वर्मा, उन्होंने पिछले कार्य जब डेढ़ साल पहले भी मैं यहाँ पे था, उस समय भी इन्होंने अवगत करवाया था मेरे को। और एक्चुअली में वहाँ पर मौका स्थिति पे राजकीय जो सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है उसकी भूमि बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि बगीची में और आगे के लिए भी लोगों के खेतों में जाने के लिए वही रास्ता है, तो इस विद्यालय परिवार से इसकी सहमति लेकर के अतिशीघ्र ही उसका एस्टिमेट बना के आम जन को ध्यान में रखते हुए उसको रोड बनवा दिया जाएगा।